क्या दुख है समुद्र को बता नहीं सकती, अस्क है दिल के आंखों में आ नहीं सकते। वैसे तो बहा दे आंसू भी मुझको, अगर जिद पे आ जाऊं तो तूफान भी हिला नहीं सकते। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है हमारे इस राजस्थान कवरेज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में, श्रीमती पूजा छाबड़ा, जो किसी नाम की किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़ रही है। उनसे बात करते हैं कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ मंजिल है, कि सफ़र शुरू तो कर दिया है, इस सफ़र की मंजिल कहाँ है, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। पूजा जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं किस पूजा छाबड़ा से बात कर रहा हूँ, एक डिग्निटी बहुत बड़ी शख्सियत, एक आम नारी या एक नशा मुक्ति के आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस पूजा छाबड़ा से बात कर रहा हूँ? एक आम नारी से बात कर रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके द्वारा मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं अगर बात करूं सीधे शब्दों में बात करूं, आपने कहा कि एक आम नारी, जिस आम नारी के लिए आप लड़ रही हैं, तो क्या ज़रूरी है कि पहले आप खुद एक आम नारी हो, उसको महसूस करो? बिल्कुल, एक आम नारी हूँ तो ही तो मैं इस समस्या को उठा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस मुहिम को लेकर चल रही हूँ, नशा मुक्ति की मुहिम, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो एक नारी को होता है, और उस नारी के नाते इस मुहिम को घर घर नाड़ी नाड़ी तक पहुँचा सकी हूँ अभी तक। मैं यहाँ एक तरह से जरूर करूँगा, आप कह रही हैं कि आज के दौर में नशे का अगर सबसे बड़ा नुकसान उठा रही है तो नारी उठा रही, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अगर मैं आपके नए आंकड़े रखूँ, तो आज की तारीख में इस नशे को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं जो मात्र 2-3% महिलाओं का सहयोग था, आज 27% हो जाता। ये मैं आप समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे परसेंटेज बढ़ी है, ये नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, आप कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप नशे के खिलाफ लड़ रही हैं, तो कम से कम जहाँ आप नारियों को पुरुषों के लिए आप कह रही हैं, तो नारियों को नहीं लगता है कि नारी को इस जो दौड़ में आज, चाहे वो दिखावे की दौड़ में हो या फिर ग्लैमर या दुनिया की चकाचौंध की दौड़ में हो, आज जितने भी गुटके हैं, जितने भी चलते हैं नशे के, चाहे वो शुरुआत छोटे से होती है, तो आज 27% महिलाएं, लगभग 27%, मैं नया आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ताज़ा, कि नशा कर रहे हैं, उनके लिए क्या? नहीं, ये चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं सीकर में मैंने खुद ने ये देखा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उस रेस्टोरेंट में लड़का लड़की, लड़की ही लड़के को ऑफर कर रही थी कि आज किस तरह का पार्टी करेंगे और उसमें क्या आज नया पिलाया जाएगा। तो बड़े अफसोस और शर्म की बात भी होती है कि जहाँ हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं और उस सभ्यता में, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि ये नहीं कहती हूँ कि सारे के सारे लड़के गलत हैं या सारे के सारी लड़कियाँ गलत हैं, कहीं ना कहीं आज जो समय ऐसा चल रहा है, गलत संगति के कारण हमारी बेटियाँ भी इसका शिकार हो रहे हैं। जहाँ हम एक समान की बात करते हैं कि बेटा और बेटी एक समान है, वहाँ पर कहीं ना कहीं नशे में भी बेटियाँ भी बेटों से कई बराबरी ही कर रही है। जहाँ पे पढ़ने के लिए लड़कियाँ जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रग्स भी ले रही हैं, नशा भी कर रही हैं, पार्टियाँ भी करते हैं। तो हमारा तो केवल एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं हम अपनी युवा पीढ़ी में बेटियाँ भी आती हैं और बेटे भी आते हैं, और उस युवा पीढ़ी को हम नशे से किस तरीके से दूर रख सकते हैं। मैं गंगानगर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और गंगानगर ज़िला स्पेशली उड़ता पंजाब के बिल्कुल है, कि जिस तरह से उड़ता हुआ पंजाब है और हमारा गंगानगर ज़िला कहीं उड़ता हुआ गंगाना बन जाए, कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रग्स, मेडिकल नशा, सफ़ेद चिट्टा, स्मैक जैसी ऐसी बहुत सारे ऐसे हमारे जो युवा है ना, वो शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी कि 20-20 साल के नौजवान जो युवा है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस ड्रग्स के कारण और इस नशे के कारण अपनी जान गंवा दी है। मैम, कहा जाता है कि जब आदमी नशे का आदि हो जाता है, तो जब उसको नशा करने से रोकता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन उसे मानता है। ऐसी कोई वाकया को आपने फील किया हो कि लोगों ने एक तरह से आपको अपना दुश्मन मान लिया हो? देखिए, काफ़ी बार ऐसे होता है कि नशे के खिलाफ जब अपन मुहिम चलाते हैं, तो जब मैं भीड़ में होती हूँ तो महिलाएं तो इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं या आदमी पुरुष, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन सुनना सब चाहते हैं, लेकिन शुरुआत अपने घर से नहीं करना चाहते। वो एक कहावत है ना
भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए अपने घर में नहीं, पड़ोसी में होना चाहिए, है ना। तो यही वाली चीज है कि नशे के खिलाफ जब हमने रथ यात्रा निकाली तो मैं जिस जिस घर में जाती थी ना रथ यात्रा को लेकर, तो प्रत्येक महिला का ये कहना था कि हमारे घर में मैंने इतना डर खौफ था परिवार के माने मुखिया से या घर के आदमियों से इतना खौफ था कि एक महिला खुलकर भी ये नहीं बोल पाती थी कि हमारे घर में या हमारे बेटा या कोई नशा करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, डर 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 और ये खौफ कहीं ना कहीं महिलाओं में और आम जनता में आज भी है, ये बात है। और उस डर खौफ को निकालने के लिए ये अभियान चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये डर और खौफ खत्म हो, तभी जाकर हम नशे की जड़ तक पहुंच पाए। मैम, जिस दौर में महिलाएं साज श्रृंगार को बोल खूब चलती हैं या ये कहा जाए कि जिंदगी को एक अलग एंजॉय के रूप में लेती हैं, उस दौर में आपने समाज के लिए संघर्ष करना समझा, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई? ये प्रेरणा केवल एक ही शख्स है, वो है मेरे पिताजी शहीद गुरशन छाबड़ा जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया और उन्होंने हमेशा इस सामाजिक बुराई नशे के खिलाफ आंदोलन किए, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्होंने हमेशा हर सरकार के समक्ष ये आवाज़ बुलंद की कि नशे को पाबंदी लगनी चाहिए, राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। वही मेरे प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने जब अपनी शहादत इस नशा मुक्ति अभियान के लिए दी थी, 33 दिन का आमरण अनशन किया था और आमरण अनशन के दौरान उनकी शहादत हुई थी, तो उनकी शहादत के बाद उनके इस मुहिम को गगन पहुँचाने का मैंने प्रण लिया कि मेरे पिताजी ने जो इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा जो बलिदान दिया, वो बलिदान स्वयं के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए नहीं, वो राजस्थान की करोड़ों महिलाओं के मान सम्मान और युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए दिया। मैम, कहा जाता है कि जब एक पहचान बन जाती है, हम राजस्थान के परिवेश की बात कर लें, इस देश के परिवेश की बात कर लें, तो हर एक की ख्वाहिशें बुलंद हो जाती है, बढ़ जाती हैं, राजनीति में आता है और कहीं ना कहीं वो लक्ष्य से भटक जाता है। नहीं लगता आपको कि कहीं आप मेरा प्रश्न समझते हैं? मैं बिल्कुल आपका प्रश्न समझ रही हूँ। अभी तक मैंने किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, मैं अभी सामाजिक कार्य करता हूँ, लेकिन ये बात अगर मौका मिला तो नहीं, मौका मिला एक बात, अभी तक मैं आंदोलन कर रही हूँ, लेकिन आंदोलन करने से केवल सरकारों से आश्वासन ही मिलता है। मेरे पिताजी विधायक थे और विधायक रहते हुए 1980 में उन्होंने शराब बंद कराई थी। वो शराब इससे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री थे वो, कैसे शराब बंद हुई, क्योंकि विधानसभा में उपस्थित थे और 106 MLA के साथ मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी करो, और वो शराबबंदी लागू हुई है 2.5 साल के लिए हमारे राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू हुई। तो ये संभव तब हो सका जब आप एक राजनीतिक हिस्सा बन सके, तो आप दबाव बना सके। तो मैं मान के चलूँ कि मैं किसी भावी विधायक या भावी MP से बात कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब हमारे सरकार में मैम, अगर आपके बिल्कुल ऐसे विचार है, यदि आप ऐसा सोचती हैं, जाना चाहती हैं, हमारे दर्शक जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनकी भावनाएं क्या, फिर मेरा प्रश्न है क्या मैं एक भावी MP या भावी MLA से बात करूँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि राजस्थान की करोड़ों महिलाओं की आवाज़ के लिए राजनीतिक में एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम आंदोलन ही करते रह जाते, उसकी सुनवाई नहीं होती। जब तक विधानसभा नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। जब तक विधानसभा नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता रहेगा, ये मानना है पूजा छावड़ा का। अगर ऐसा होता है तो प्राथमिकता क्या होगी, मैं भाजपा या कांग्रेस? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इसके लिए, तो अभी आप जो हमारे नशा मुक्ति अभियान में अपना समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, क्या कोई पार्टी? कोई भी पार्टी। पूजा छाबड़ा का मानना है कि जरूरी है कि जब तक सत्ता की भागीदारी में आप शामिल नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। पूजा छाबड़ा जी, आपसे एक और सवाल, आपके इस संघर्ष में, आपके इस आंदोलन की राह में परिवार कहाँ रहता है? जिस तरह से मैंने संघर्ष किया उस तरह से मेरे परिवार ने भी संघर्ष किया। हमारे परिवार में मेरा तो सीधे शब्दों में है, पति भी चाहते हैं कि समय मिले, बच्चे भी चाहते हैं कि समय मिले, ऐसे में पूजा छाबड़ा कैसे मैनेज करती है? मेरा परिवार खुद चाहता है कि इस सामाजिक कार्य में मैं संघर्ष करूं, क्योंकि उन्होंने अपने दादा को
इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अपना बलिदान देते हुए देखा है। तो मेरा परिवार शुरू से ही, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए या मेरे पति, शुरू से ही वो चाहते थे कि सामाजिक कार्य में हमारे पूरे परिवार का योगदान होना चाहिए। कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ये एक हिस्सा है और वो हिस्से को समझ चुके हैं कि अगर सामाजिक कार्य करना है तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और वो बैलेंस बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हमारे लाखों करोड़ों राजस्थान वासियों के लिए क्या संदेश है आपको? सभी से एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूंगी और अपील भी करूंगी कि नशा किसी भी चीज़ का हो वो नाश का कारण है। आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इस नशे के प्रति, जो मेडिकल नशा है, जो सफ़ेद चिट्टा है, इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रही है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे चलाए जा रहे इस पवित्र आंदोलन में, नशा मुक्ति आंदोलन में आप सहयोग कीजिए और सब लोग सभी प्रकार के नशों से आप दूरी बनाए रखें और राजस्थान को नशा मुक्त राजस्थान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पूजा छाबड़ा जी का साफ मानना है कि यदि सुखद जीवन जीना है तो नशा छोड़ना है, चाहे शुरुआत घर से हो, बाहर से हो, पति से हो, बच्चों से हो, कहीं से हो, लेकिन अपने ही घर से नशा मुक्ति की शुरुआत होनी चाहिए। और दो लाइनें चलते चलते मैं हमारे दर्शकों के लिए और पूजा छाबड़ा जी के लिए कहना चाहूँगा कि हर राह से वाकिफ हूँ, हर राह कयामत है, जीने के लिए पल पल, मरना इनकी किस्मत है, क्या छीन सकेंगे आप ओटों की हंसी इनकी, दुनिया के सितम सहकर हंसना इनकी आदत है। जी हाँ, कुछ ऐसी है पूजा छाबड़ा। नमस्कार, देखते रहे राजस्थान का।